बड़े सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो जी, पहली चीज़ ये मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप चाहिएगा। पहली चीज़, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो आपको डिजी लॉकर के साथ करनी पड़ेगी। तो पहला, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, क्लास 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। और दूसरा, आपका क्लास जो 12th है उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप क्या करेंगे, अपनी पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं आप उनको वहाँ पर डाल रहे होंगे। अगली चीज, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो क्या होना चाहिए, वो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। अगली चीज, अगर आपके जो फादर हैं वो नॉन फोर्सेस के अंदर सर्विंग है या फिर उनकी डेथ हो चुकी है सर्विंग करते हुए, तो अगर आपके पास डिपेंडेंट कार्ड है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट के ऊपर है, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल्स डालना जरूरी होंगे। अगली चीज, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपना पूरा का पूरा परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पास अपना एक फोटोग्राफ होना चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है वो रिसाइज्ड होना चाहिए। ये भैया कहां कहां पे ये सारी चीजें मिल रही होंगी, डोंट वरी, एक काम करो, अगर अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा जहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा 23 या 25 मिनट का वीडियो, जहां पे बता रखा है कि कैसे पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करोगे, तो उसको क्या करना, उसको वहां पे जाके देख लेना, ठीक है, उसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब क्या करना, आपके पास कम से कम जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज है वो 5 KB से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। कैसे रिसाइज करना है वो मैंने बता रखा है। इसी के साथ में अगली चीज ये कि आपके पास क्या होना चाहिए, अपना फोटोग्राफ होना चाहिए, उसका जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा उसका जो साइज है वहां पर वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में अगर कुछ और चीजें आपको लगती हैं कि सर मेरे लिए ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए वहां पे रख सकते हैं। अगर कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके पास है, लेकिन इतने से काम हो जाएगा। अगली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, वो फोन आपके पास होना चाहिए, ताकि जब OTP आए आप उसको एक्सेस कर पाए। अगली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बच्चे गलती करते हैं, ईमेल एड्रेस। कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं डाल देना, क्योंकि ये बदलता नहीं है बाद में। वो ईमेल एड्रेस जो कि आप अभी यूज कर रहे हैं, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर कल को ईमेल्स भी आएंगे, इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर पूरा का पूरा कल को कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा। हर चीज इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर काम कर रही होगी। So, इस बात का आप ध्यान रखें, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फॉर्म को जाके भरिए। एंड अगर कंफ्यूज है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 30 दिनों की, तो एक वेबिनार कर रहा हूं जो कि 2 घंटे चलेगा, जिसके अंदर बताऊंगा कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपकी सिलेक्शन हो रही होगी, डाउट्स भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो वेबिनार फ्री रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, साइनअप पर क्लिक करिए, मैं मिलूंगा वेबिनार के अंदर। तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, फोकस्ड रहिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, सिलेक्शन आप ही की होगी। आप ही वो हैं जो इस बार AFMC पुणे जा रहे हैं। अपने टेबल के सामने लेफ्टिनेंट अपना नाम लिख दीजिए, सो दैट आप उसको मैनिफेस्ट कर पाए, आप उस जिंदगी के लिए जो आपकी बदलने वाली है उसके लिए आप तैयार हो पाए। हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए और सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, मिलूंगा द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप तक लाता रहूं। मिलूंगा द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।